द 100 सीजन 2 एपिसोड 10 बेलेमी और लिंकन माउंट फेदर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लिंकन एक जानवर को मारकर उसके ब्लड को अपने मुंह पर लगा लेता है। ब्लड के साथ ही वो थोड़ा सा चूना भी अपने मुंह पर लगाता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे रीपर्स के समान दिखना है। लिंकन बेलेमी को माउंट फेदर के अंदर उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे रीपर बना इसके बारे में बताता है। वो बेलेमी को हार्वेस्ट प्रोजेक्ट और सर्वेरस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता है। आप लोगों को मैंने एक अलग वीडियो में इन सब के बारे में जानकारी दे रखी है। बेलेमी लिंकन को बताता है कि उसकी मम्मी उसे और ऑक्टिविया को माइथोलॉजी की कहानियां पढ़कर सुनाया करती थी, जिन्हें ऑक्टिविया बहुत पसंद करती थी। बेलेमी लिंकन से जानना चाहता है कि उसने ऑक्टिविया को जाने पहचाने बिना क्यों बचाया था। लिंकन बेलेमी को अपने साथ घटी हुई बचपन की एक घटना सुनाता है कि जब वो छोटा था तब एक आदमी आसमान से ड्रॉपशिप में बैठकर नीचे आया था। लिंकन ने 3 दिन तक उस आदमी का बहुत ध्यान रखा, लेकिन उसे उसकी भाषा समझ में नहीं आती थी। 3 दिन के बाद लिंकन के पापा ने लिंकन को उस आदमी को मारने के लिए मजबूर कर दिया। लिंकन कहना चाहता है कि दुनिया हमें शैतान बनने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि हम पैदाइशी वैसे नहीं होते हैं। बेलेमी ने भी आग पर ये सब कुछ होते हुए देख रखा है। इंदिरा समझौते के तहत कैंप में आती है। केन उसका स्वागत करता है, लेकिन अंदर ले जाने से पहले वो सभी ग्राउंडर से उनके वेपन्स जमा करने के लिए कहता है, जहाँ केन को कहता है कि ये समझौता एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन केन जहाँ की इस बात को नहीं मानता, उसका कहना है कि माउंटेन मैन के खिलाफ लड़ने के लिए ग्राउंडर्स और स्काई पीपल का एक होना बहुत ही जरूरी है। केन जब स्पीच दे रहा होता है तब मॉर्फी को एक और खड़ा देखकर एक ग्राउंडर पैन उसके पास आता है और उसे टोंडाक में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराता है। मॉर्फी उससे बात करने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। केन मॉर्फी को 2 दिन काम करने की सजा सुनाता है और उसे पैन से माफी मांगने के लिए कहता है। मॉर्फी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होता, जिसे देखकर पैन उसे कहता है कि उसे भी फिन के समान ही जल जाना चाहिए। मॉर्फी ये सुनकर पैन को जोरों से पंच करता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद ग्राउंडर्स और आर्कवासी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ऑक्टिविया और केन सबको शांत करने की कोशिश करते हैं। एक किनारे खड़ा हुआ जहाँ ये सब कुछ होते हुए चुपचाप देखता रहता है। क्लार्क टोंडाक में है। वो लेक्सा के साथ मिलकर माउंट वेदर से कैदी ग्राउंडर्स और अपने साथियों को निकालने की प्लानिंग करती है। एक ग्राउंडर क्वेंट क्लार्क की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो स्काई पीपल के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता। लेक्सा बेलेमी के माउंट फेदर के अंदर पहुंचने को लेकर डाउटफुल है, लेकिन क्लार्क श्योर है कि बेलेमी अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाएगा और वो अंदर जाकर एसिड फॉग को बंद कर देगा, क्योंकि जब तक एसिड फॉग बंद नहीं होगा ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्लार्क वहाँ से बाहर आती है। उसके पीछे मेजर बायरनी भी बाहर आ जाती है। क्लार्क बाहर जंगल में घूम रही होती है, उसे क्विंट फॉलो कर रहा है। वो क्लार्क के ऊपर एरो चलाता है। क्लार्क एरो से बचकर भागने लगती है। क्लार्क भागते हुए पीछे रुककर देखती है कि मेजर बायरनी घायल हो चुकी है और वो चिल्लाकर क्लार्क को अपने आप को बचाने के लिए कहती है। कैंप में इंदिरा और केन ग्राउंडर्स की ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। ऑक्टिविया ट्रेनिंग के लिए आगे आती है, लेकिन इंदिरा उसे देखकर उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देती है। मॉर्फी अपने को मिली सजा के तहत पोछा लगा रहा होता है, जहां उसके पास आता है और उसे अपने आप को वेल्स की ग्रेव तक ले चलने के लिए कहता है और मॉर्फी को एक गन दे देता है। केन फायरिंग रेंज में गार्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो पेन और कुछ और ग्राउंडर्स को उन्हें ध्यान से देखते हुए देखता है। केन उन्हें अपने पास बुलाता है और उन्हें गन पकड़कर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, लेकिन इंदिरा ग्राउंडर्स को हाथ में गन लेने के लिए मना कर देती है। ऑक्टिविया केन को इंदिरा के इस बिहेवियर का कारण बताती है कि वो लोग ये मानते हैं कि अगर ग्राउंडर्स गन अपने हाथ में ले लेंगे तो माउंट वेदर वाले उनके पूरे गांव को खत्म कर देंगे। केन को महसूस होता है कि ऑक्टिविया ग्राउंडर्स के बारे में काफी कुछ जानती है। क्लार्क जंगल में क्विंट से बसती हुई भाग रही है। क्विंट उस पर अटैक करता है, तभी पीछे से लेक्सा आकर क्विंट पर अटैक कर देती है और उसे रोकती है। वो क्विंट को मारने ही वाली होती है कि उन सभी को बहुत जोरों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। लेक्सा कहती है कि पौना आ गया है। पौना एक बहुत बड़ा गोरिल्ला होता है।
लेक्सा क्विंट के पैरों को तलवार से घायल करके वहां से क्लार्क और गार्ड के साथ भागती है। पौना क्विंट पर अटैक करके उसे मार देता है। क्लार्क, लेक्सा और गार्ड जहां छुपे हैं, वो जगह पौना की फीडिंग प्लेस है। पौना वहां आकर गार्ड पर अटैक कर देता है। क्लार्क उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। लेक्सा के पैर को पौना पकड़ लेता है। किसी तरह से क्लार्क उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन वो दोनों अब एक पिंजरे नुमा कमरे में कैद है। जहाँ और मर्फी जंगल में बातें करते हुए ड्रॉप शिप की ओर जा रहे हैं, जहाँ मर्फी को बताता है कि वो उन सभी लोगों को याद करता है जिन्हें उसने फ्लोटिंग की सजा दी थी, जिनमें मर्फी के फादर भी थे। मर्फी उसे वेल्स की ग्रेव तक ले जाता है, जहाँ वेल्स की ग्रेव को देखकर भावुक हो जाता है। जहाँ मर्फी को ड्रॉप शिप के अंदर चलकर आराम करने के लिए कहता है, बेलेमी और लिंकन रीपर्स की माइंस के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं। लिंकन उस जगह को देखकर थोड़ा घबराता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है। कैंप में इंदिरा अपने वॉरियर्स को बाहर चलकर रात के लिए खाना लाने के लिए शिकार पर चलने के लिए कहती है। जब ग्राउंडर्स बाहर निकल रहे होते हैं, तब ऑक्टेविया इंदिरा का रास्ता रोककर उससे लड़ने के लिए उकसाती है। इंदिरा एक ग्राउंडर फियो को बुलाकर ऑक्टेविया से लड़ने के लिए कहती है। फियो ऑक्टेविया को लड़ाई में लगातार हराता जाता है, लेकिन ऑक्टेविया हार मानने को तैयार नहीं है। वो घायल होते हुए भी बार बार लड़ने के लिए उठ खड़ी होती है। इंदिरा फियो को आगे लड़ने से मना कर देती है। केन जाकर ऑक्टेविया को उठाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या प्रूव करना चाहती है। ऑक्टेविया का कहना है कि वो मजबूत बनना चाहती है। क्लार्क और लेक्सा केज नुमा रूम में फंसे हुए हैं। लेक्सा अपने आप को कमजोर फील कर रही है, वो घायल है। पौना उन दोनों को ढूंढ चुका है और बाहर दरवाजे पर लगातार जोर लगा रहा है। क्लार्क लेक्सा को दरवाजे के अंदर की तरफ एक साइड खड़ा करती है और दरवाजा खोल देती है। जैसे ही पौना अंदर आता है, वैसे ही क्लार्क और लेक्सा बाहर निकल जाते हैं और पीछे से केज का दरवाजा बंद कर देते हैं। पौना अंदर बंद हो जाता है। ऑक्टेविया अंदर बैठी हुई होती है, तभी इंदिरा उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो एक बच्चे के समान लड़ती है। इंदिरा ऑक्टेविया का साहस देखकर खुश है और उसे खुद ही ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी ले लेती है। वो उसे अपना सेकंड बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सेकंड का मतलब होता है कि इंदिरा का असिस्टेंट। जहां और मर्फी ड्रॉपशिप में है, जहां मर्फी को कहता है कि मर्फी को दूसरा चांस मिलना चाहिए, कभी कभी बुरे में से अच्छा निकलकर सामने आ जाता है। जहां मर्फी को ये भी कहता है कि वो दोनों एक समान है, जिन्हें उनके अपने ही लोगों ने अपने आप से अलग कर दिया है। वो मर्फी को सिटी ऑफ लाइट के बारे में बताता है। जहां चाहता है कि वो सिटी ऑफ लाइट की खोज कर अपने सभी लोगों को वहां पर ले चले। लिंकन और बेलेमी रीपर्स टनल के अंदर पहुंच चुके हैं। लिंकन अभी भी अपने प्लान पर काम करने के लिए अपने को तैयार नहीं पा रहा। वो बेलेमी को खोल देता है और वहां से वापस चलने के लिए कहता है। तभी वहां बहुत सारे रीपर्स आ जाते हैं। बेलेमी लिंकन को शांत रहने का इशारा करता है। वो लिंकन के बंधक के रूप में उसके साथ है। इंदिरा और सभी ग्राउंडर्स बाहर से शिकार करके आते हैं। केन को महसूस होता है कि ग्राउंडर्स और स्काई पीपल को मिलाने में ऑक्टेविया ने भी एक कड़ी के रूप में काम किया है। फियो जो ऑक्टेविया के साथ लड़ा था, उसके लिए खाना लेकर आता है। केन ऑक्टेविया को अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए कहता है, जो कि ऑक्टेविया कहती है कि उसका फर्ज है। मर्फी जब सोकर उठता है तो उसे ड्रॉपशिप के बाहर कुछ स्काई पीपल का ग्रुप दिखाई देता है, जहां ने उन सभी को सिटी ऑफ लाइट जाने के लिए इनवाइट किया था। जहां मर्फी को भी अपने साथ सिटी ऑफ लाइट तक ले जाना चाहता है और उसे वहां पर अपने साथ चलने के लिए कहता है। क्लार्क उठती है तो वो पाती है कि लेक्सा उसी को लगातार देखे जा रही है। पौना अभी भी बंद है और वो लोग फिलहाल सेफ हैं। क्लार्क को एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि माउंट वेदर में पिंजरे में कैद ग्राउंडर्स जब बेलेमी के द्वारा आजाद होंगे, तब वो माउंट वेदर के अंदर उनकी एक आर्मी के रूप में काम कर सकते हैं। माउंट वेदर रीपर्स टनल में रीपर्स लिंकन के पास आ चुके हैं और उसे अपने में से ही एक समझ रहे हैं। उनके साथ और भी पकड़े हुए ग्राउंडर्स हैं। माउंटेन मैन द्वारा सभी को बेलेमी सहित हार्वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। सभी रीपर्स को रेड रखकर डोज दिया जा रहा है, जो कि मजबूरी में लिंकन को भी लेना पड़ जाता है। बेलेमी ये देखता है, लेकिन वो लिंकन के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और लिंकन बेहोश हो जाता है।